हेलो गाइस, भीम स्टडी में आपका स्वागत है। भीम स्टडी में मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप कितने आसानी से किसी भी संख्या का समझते हैं कि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, यानी कि मैथ्स से ज्ञात करना आज हम सीखने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा, मात्र 3 सेकंड में ही आप उसका आंसर लगा सकते हो और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वह बहुत ही सक्सेसफुल होगा। आज सीखते हैं हम मैथ्स से ज्ञात करना। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जितने भी वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं वह आपके लिए बहुत ही लाभदायक हों। और भविष्य में मैं कामना करता हूं कि मेरे प्रति आपको पढ़ाया हुआ जितना भी पढ़ाऊँ आपको समझ में आए, और समझ में आने के बाद आप अपने पेपर और पेन से उसको राइट कीजिए, लिखिए, और जितने भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा आपकी प्रतियोगिता में कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। देखते हैं आज का हम पहला प्रश्न। जैसे कि 12 और 18 का हमें निकालना है मैथ से। क्या निकालना है? मैथ से ज्ञात करना है। और मैथ से हम कैसे निकाल लेंगे? आपको क्या करना है, इन दोनों संख्या के अंदर केवल इन दोनों संख्या के अंदर आपको एक इतना सा काम करना है कि बस इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। इन दोनों में कितने बीच में अंतर आया हुआ है वो अंतर आपको मात्र बताना है। तो कितना अंतर है इन दोनों के बीच में? 6 का। कितने का अंतर है? 6 का इनके बीच में अंतर है। अगर इन दोनों के बीच में 6 का अंतर है तो इस 6 से इनको काट के देख लीजिए, अगर ये इन अंतर से ही पूरे पूरे कट जाते हैं तो यही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। देखिए कैसे, 6 से हमने इसको काटा, 6 × 12 और 6 × 18, ये दोनों संख्या इससे पूर्ण रूप से कट गई, तो इसलिए यही इसका मैसे होगा। 6 इसका मैसे होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम आगे आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन बताएंगे। देखते हैं गाइस आज का पहला सवाल हम क्या करने वाले हैं। तो लेते हैं क्वेश्चन, जैसे 923 और 949, ये हमारे सामने क्वेश्चन है और हमको इसको बताना है कि इसका मैसे क्या होगा। तो इसका मैसे कितने आसानी से हम निकालेंगे, क्योंकि देखो इसका फैक्टराइज नहीं किए जा सकते। आपने पुराने मेथड देखे होंगे कि ऐसा करना सिखाया होगा आपको किसी भी टीचर लोगों ने कि या 9 आ गया, या 4 आ गया, फिर इसको ऐसे करया होगा, तो इसमें बहुत वक्त लग जाएगा। ऐसा हमें करना नहीं सीखना है, क्योंकि हमें कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में सक्सेस होना है, और कितनी देरी हम करेंगे उतनी ही हम देरी से सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जितना जल्दी करेंगे उतनी ही देरी जल्दी से हम सक्सेस हो जाएंगे। हम बताते हैं आपको इसका कितना सरल हो सकता है। आपको क्या करना है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस लेना है। इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो 26 का है। 26 का इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, और इस डिफरेंस से आपको क्या करना है, डिवाइड करके देखना है, भाग करके देखना है कि ये संख्या से पूरी पूरी कट रही है या नहीं कट रही है। तो 26 से ना तो ये पूरा कटता है और 26 से यह ना पूरा कटता है। जब ऐसी कंडीशन आपको हो कि इनके अंदर से ये नहीं कट रहा हो, तो बस इसका 26 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करना है, यानी कि इसके बड़े से बड़े 2 टुकड़े कर लेने हैं जिससे ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखिए 13 बड़ा संख्या है इसमें, तो 13 से काट कर देख लेते हैं। 13 × 97 13 × 13 13 × 97 13 × 39 इसका मतलब क्या हुआ कि 13 से कहीं ना कहीं पूरा पूरा कट रहा है। तो हमने इसका जो संख्या ले ली है इसका सही जवाब होगा 13, यानी कि 13 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, मैसे होगा। और मैं ये समझता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लेते हैं अगला। अब देखते हैं हम ये वाला प्रश्न कि हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जैसे मैं समझाता हुआ आ रहा हूँ ऐसे आपको निकालना है। जैसे कि 973, 782, 775, इन तीनों का हमें मैसे ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है कि ये तीनों संख्या किस संख्या से कट सकती है। तो आप कोई भी 2 संख्या ले लीजिए जिनमें कम से कम अंतर आ रहा हो, जिसमें केवल कम से कम अंतर आ रहा हो। तो मैंने इन दोनों में अंतर देखा, ज़्यादा अंतर हो रहा है, तो इसलिए हम कम से कम अंतर लेंगे। हमने इन दोनों में अंतर देखा और इन दोनों का अंतर जो है मात्र 7 का है। कितने का है? 7 का। इन दोनों संख्या में अंतर आया 7 का। अब 7 से अगर ये कोई भी संख्या कट रही होगी तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, अगर 7 से नहीं कट रही होगी तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होगा। देखिए कैसे, 7 से ये काट कर देखा हमने,
सातिक हम सात, सात्या इक्कीस, सातनिम तिरसठ, पूरा पूरा कट गया। ये वाला देखते हैं, सातिकम सात, सातिकम सात और बारह आ गया, ये सब पूरा पूरा नहीं कटाया। तो इसलिए गाइस ये इसका कभी भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इस सात का भी हम क्या करोगे, फैक्टराइज करेंगे। और सात का फैक्टराइज क्या होते हैं, सात गुणा एक, सात गुणा एक, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है, इसका फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है, इसलिए सात गुणा एक इसका फैक्टराइज हो गया है। तो गाइस हम क्या करेंगे कि इसको जब फैक्टराइज नहीं हो सकता है तो एक इसका सही आंसर आ गया है। तो इसका मैं से जो आया है वो आया है एक, एक से ये तीनों संख्या कट जाएंगी। देखे गाइस आपने कितनी आसानी से इसको सीख लिया है, कैसे सीखा है, सबसे छोटी संख्या जिसके बीच में दो संख्या छोटी है उसका अंतर सात हुआ, और सात से कोई भी संख्या मान ली ये कट रही थी ये नहीं कट रही थी, तो जब अगर ये तीनों कटेंगी तो मैं से होगा और नहीं कटेंगे तो मैं से नहीं होगा। तो हमने इसका सात का क्या करा, फैक्टराइज करा, और फैक्टराइज करते ही यानी गुणनखंड किया, और गुणनखंड करते ही जो भी संख्या से कट रहा होगा उस संख्या से हमने उसको काट दिया। तो इसका जो गुणनखंड आया सात और एक आया, सात से तो कट ही नहीं रही थी तो एक इसका मैं से हो गया। तो आई होप आपको ये तीसरे प्रश्न पे अपने, तो तीसरा प्रश्न क्या कहता है, छप्पन, 132 और 148 इन तीनों में हमें क्या याद करना है, मैं से क्या करना है गाइस, मैं से ज्ञात करना है। हम इसका मैं से भी उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हम करते हुए आ रहे हैं। कैसे, हमने इन दोनों के अंदर डिफरेंस लिया, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया वो आ गया आपका आठ में से के छः बच गए और इसमें से चले गए 16 बच गए, यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो आ गया वो 16 का आ गया। अब 16 से हम ये काट के देखते हैं कि इस 16 से ये कटता है या नहीं कटता है। 16 से मैंने को 56 डिवाइड करना है, भाग नहीं हो पाएगी, तो गाइस इसका मैसे 16 नहीं होगा। तो इसलिए इसका मैसे का फिर फैक्टराइज करेंगे, मैक्सिमम इसकी जो फैक्टराइज होंगे वो 8 गुणा 2 होगा। हम देखते हैं गाइस 8 से कटता है या नहीं कटता है, क्योंकि 2 तो छोटा फैक्टराइज हो गया इसका, तो काटते हैं 8 से, 8 से 56 कट गया और 8 ही कम 8 और फिर 5 बच गया, तो ये नहीं कटेगा 8 से, तो ये भी इसका फैक्टराइज नहीं हुआ। तो अब इसका भी फैक्टराइज करेंगे, इसका भी आप फैक्टराइज कीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम। अब देखिए 4 और 2 इसका फैक्टराइज हो गया, अब 4 से कट रहा है या नहीं कट रहा है देख लेते हैं। 4 से ये भी कटता है, 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, क्योंकि 4 से काटने का वो तरीका होता है जिसके लास्ट की इकाई में दहाई 4 के टेबल मारती हो, 4 के पहाड़े मारती हो, उससे वो पूरा पूरा कट जाता है। तो 4 से हमने देखो इसको बताया है और ये 4 से पूरा पूरा कट गया है, 4 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है और ये भी डिवाइड होता है, इसलिए इसका जो मैस आएगा वो आएगा आपका 4। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि मैंने आपको कितनी आसानी से इसको समझा दिया है। पढ़ते हैं, हम देखते हैं अपना हम अगला प्रश्न कि हमारा अगला प्रश्न क्या है, 341, 289 और 558 का हमें क्या निकालना है, मैसे निकालना है। ठीक उसी तरीके से हम इसका मैसे निकाल लेंगे जैसे हम इससे पहले वाले क्वेश्चनों में निकालते हुए आ रहे थे। तो पिछले वाले क्वेश्चनों में हमें क्या निकालना था, इनका मैसे निकाल, तो हम कम से कम संख्या के बीच में डिफरेंस लेंगे, इन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कम आ रहा है, तो गाइस हम कम वाला डिफरेंस ले लेंगे। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 62 का, 62 का डिफरेंस आ रहा है। अब 62 से ना तो ये संख्या पूरी कटती है और 62 से ना ये संख्या पूरी कटती है और ना ये संख्या ये पूरी कटती है। मैंने आपको कैसे बता दिया कि 62 से नहीं कट रही, हम आपको बता रहे हैं कि इसके लास्ट में 2 लिखा हुआ है, 2 कभी भी किसी टेबल के पहाड़े में 1 नहीं आता है 2 के, अगर किसी के इकाई अंक 2 है तो 2 का अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो सम संख्या आएगी, विषम तो आने की नहीं, तो इसलिए गाइस ये इसके टेबल से नहीं कटेगा, इस पहाड़े से नहीं कटेगा। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, फैक्टराइज क्या होगा इसका, इसका फैक्टराइज होगा 31 गुणा 2 इसका फैक्टराइज हो गया, और 31 गुणा 2 जब इसका फैक्टराइज हो गया तो गाइस अब हम इसको काट कर देखते हैं, 31 से कम 31, 31 से कम 31 कट गया गाइस पूरा, इससे काट कर देखते हैं, 31 निम्न पूरा पूरा कट गया, 31 से ये भी पूरा पूरा कट गया। तो गाइस जब इससे 31 से पूरा पूरा कट गया तो इसका मैसे यही हो जाएगा, मैसे क्या हो जाएगा इसका, 31 इसका मैसे हो जाएगा, बस इतना सा ही आपको काम करना है। तो आई होप ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 403, 527, 589 में हमें मैसे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, मैसे को ज्ञात करना है।
तो इसका मैं से हम कितने आसानी से निकाल सकते हैं। इसका मैं से निकालना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हम सीख चुके हैं, हमने आपको सिखाया है, केवल डिफरेंस देख के इनका मैं से कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो कैसे करना है आपको, इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, कम से कम डिफरेंस है 500-500 में इन दोनों, क्योंकि तो 400 में है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है गाइस वो आ रहा है आपका 62 का, यानी कि 62 का इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 62 का डिफरेंस आ रहा है, 62 का डिफरेंस इन बीच में आ रहा है। तो जो इसका डिफरेंस होगा उससे अगर फिर वही बात हो गई कि दो के लास्ट में कभी तीन नहीं आता, दो के टेबल में 7 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, तो गाइस 62 से भी ये नहीं कटेगा। तो सही तरीके से काटने का क्या माध्यम है इसका, हमने आपको बताया कि इन दोनों का आप फैक्टराइज कर लीजिए, इन दोनों का आप फैक्टराइज कर लीजिए, और जो इसका फैक्टराइज आएगा वही इसका मैं से हो जाएगा। अब 31 से काट के देखें, 31 से कम 31, 31 या 93 कट गया पूरा, तो इससे ये भी कट जाएगा 7 बार, और इससे ये भी कट जाएगा 9 बार। तो जब ये पूरा कट रहा है गाइस, तो इसका जो मैस होगा वो होगा 31, इसका मैस होगा 31। समझ में आ गया गाइस आपको, हम आपको बार बार बता रहे हैं केवल डिफरेंस देखना है, अगर डिफरेंस से संख्या नहीं तीनों कटती हैं तो उसका फैक्टर करना है, और जो उसका मैक्सिमम फैक्टर होगा उस समय से काट कर देखना है। अगर उससे पूरा कट गया तो वह इसका जब आंसर होगा, अगर उससे भी पूरा नहीं कट पा रहा है तो उसका भी फैक्टर करना है, और फैक्टर करते ही वो कहीं ना कहीं कट जाएगा, और जैसे वो कट जाएगा वही इसका गाइस क्या हो जाएगा, आपका मैस हो जाएगा। आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। गाइस देखते हैं अब थोड़ा और ऊपर क्वेश्चन, कि आपको 4 डिजिट में संख्या दे रखी है, इसका हमें क्या निकालना है, मैसे निकालना है, और मैसे मैंने आपको सिखा चुका हूँ कि कितने आसानी से आप मैसे निकाल सकते हैं, कैसे, केवल आपको डिफरेंस देखना है, और डिफरेंस से जो भी इसका कट जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने इनमें डिफरेंस देखा, इन दोनों में डिफरेंस देखो मात्र 1 का है, कितने का है डिफरेंस, 1 का है, तो बस देखते इसका आंसर लगा दीजिए, क्योंकि 1 का फैक्टर आएगा तो 1 तो सभी संख्या कट जाती है, तो जब सारी संख्या 1 से कट जाती है तो इसका फैक्टराइज जो आया है हमारा 1 आया अंतर, अगर अंतर 1 है तो 1 का तो फैक्टराइज करने जरूरत ही नहीं, क्योंकि 1 से तो सभी संख्या कट जाती हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका, सही आंसर जो आ गया कितना आ गया गाइस, कितना आ गया, 1 आ गया, वेरी गुड, कितना आंसर आ गया, 1 आंसर आ गया, बस इतना से देर में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, कि हमारा अगला सवाल हमें क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मैं से पूछ रहा है, और ये आपको संख्या दे रखी है, हमें इसका मैसे वही मैंने आपको बताया कि बहुत आसानी से इसका मैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, कैसे मैंने आपको समझाया, मात्र इनका अंतर से ही इनका मैसे हम ज्ञात करेंगे। अब देख लीजिए किसी दो भी संख्या में दो अंतर देख लीजिए, छोटा से छोटा हो तो इन दोनों में मैंने अंतर देख लिया, इनका अंतर कितना आ गया, इन दोनों में अंतर आ गया 72 का, कितना का अंतर आ गया 72 का, यानी कि 72 का इनके बीच में अंतर है। अगर 72 से तीनों संख्या कट जाती हैं तो इसका फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी गाइस, क्योंकि इसका आंसर यही आ जाएगा। तो 72 से ये भी कटता है, 72 से ये भी कट रहा है, और 72 से ये भी कट रहा है, 72 से ये आपका 3 बार कट गया, 72 से ये आपका 4 बार कट गया, 72 से ये आपका 10 बार कट गया, तो ये पूरा कट गया गाइस, तो इसका मैसे भी यही आ जाएगा। तो इसका मैं से कितना हो जाएगा आपका SCF, ये हो जाएगा 72। तो मुझे इतना विश्वास हो गया होगा कि आप कितने आसानी से SCF निकाल सकते थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को आप कितने आसानी से निकाल सकते हो, और मात्र 30 सेकंड भी नहीं लग रही होगी अब तो भाई, अब तो 3 सेकंड से पहले ही आपका आंसर आ गया होगा। देखिए आपको जो मैंने वादा किया था उसके हिसाब अनुसार ही आपको बता रहा हूँ कि अब 3-3 सेकंड में आपके आंसर आने शुरू हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। तो हम अब आपके सामने अगला सवाल रखते हैं, अब देखते हैं हम अपना अगला सवाल, क्या सवाल है हमारा, देखिए 1134, 1144 और 1701 का मैसे आपको ज्ञात करना है, 1134, 1344, 1701 का आपको मैसे ज्ञात करना है। मैंने आपको क्या सिखाया है, केवल अंतर देखना है, अंतर देखते ही आपको इसका जवाब आ जाएगा, इतने आसानी से मैं आपको देखो सिखा रहा हूँ, अभी तक आपको किसी भी यूट्यूबर ने इतना आसानी से नहीं सिखाया होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपके लिए एक अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा
जो आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही सक्सेसफुल होगी। और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपका साथ ही मेरा सहयोग बनेगा। आप मेरे साथ जितने भी जुड़ोगे आपको एक अच्छी सफलता देने का मैं काम कर सकूँ, इसको कितने आसानी से और आगे कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, वही अंतर लेना है, सिर्फ डिफरेंस लेना है। तो बस इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया गाइस, कितना डिफरेंस आ गया इन दोनों का, मात्र 210 210 डिफरेंस आ गया। लास्ट में कितना आया, जीरो आया। तो जीरो से तो कोई सी भी संख्या नहीं कटती है ना, नहीं कटेगी ना, क्योंकि जीरो आ गया यानी कि इससे अब ये नहीं कटेगा। तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे। और गुणनखंड कितना आ गया इनका, इसका गुणनखंड आ गया है यहाँ पे 21 और 10, 21 और 10 इनका गुणनखंड आ गया है। अब 21 और 10 इनका गुणनखंड आ गया है तो आपको तो इनका आंसर समझ में आ जाना चाहिए। अब 21 से देखो ये भी पूरा कटेगा, 21 से ये भी पूरा कटेगा और 21 से ये भी पूरा कटेगा। तो ये तो छोटा फैक्टर हुआ, ये बड़ा फैक्टर हुआ, तो इसका यही इसका आंसर आ गया है। मैं से आपको निकालना था और मैं से ही इसका आंसर आ गया है। आपको कोई फैक्टराइज नहीं करने, कोई मेथड ही नहीं करना, जो पुराने मेथड है आज से उनको भूल जाइए और अपने पेन कॉपी उठाओ और पेन कॉपी पर इन सवालों को करना शुरू कीजिए। आपके सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। गाइस अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें क्या कर रखा है, इसमें पॉइंट दे रखे हैं और पॉइंट देना कोई देने करना वही है, सिर्फ डिफरेंस देखना है। देखिए हमने इन क्वेश्चनों को करना है और ये दे रखा है 101.75 दे रखा है, 5.6 दे रखा है और 7 दे रखा है, यानी कि 1.75, 5.6 और 7 का हमें क्या निकालना है, मैसे निकालना है। तो देखिए गाइस 7 से ये भी कट रहा है, 7 से ये भी कट रहा है, तो इसका हाईएस्ट फैक्टर जो हो गया वो 7 ही हो गया। और 7 अगर इसका हाईएस्ट फैक्टर हो गया तो ये इसका मैसे नहीं हुआ, इससे सिर्फ कट रहा है, मैसे कैसे होगा इसका। आप ये देखो, ये देखना है कि किस संख्या में कितने पॉइंट लगे हुए हैं। इसमें कितने पॉइंट है, एक संख्या के बाद पॉइंट है। इसमें कितने पॉइंट है, दो संख्या के बाद पॉइंट है। तो जितनी भी बड़ी संख्या होगी, जितने पॉइंट ज़्यादा होंगे उतने के बाद इस संख्या में आप पॉइंट लगा दोगे। कैसे लगा दोगे, इसमें पॉइंट कितने हैं, दो, तो यानी कि दो पॉइंट के बाद ये संख्या लिखनी है आपको। तो ये तो एक ही लिखी हुई है ना, इसे आपको दो बनाना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जीरो बढ़ा दोगे और जैसे यहाँ पे जीरो बढ़ेगी और यहाँ पे एक जीरो आ जाएगी तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका मैसे हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने कितनी आसानी से इसका मैसे निकाल दिया है। गए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न हमें क्या कह रहा है, अब भी इसमें पॉइंट लगा हुआ है, दो संख्या के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तीन के संख्या के बाद पॉइंट लगा, कितने भी पॉइंट इसमें लगे हो, इससे हमें घबराना नहीं है, केवल वही करना है जो मैंने आपको सिखाया है। आपको क्या निकालना है, मैसे निकालना है। और मैसे कितने आसानी से निकालना है, केवल इनमें डिफरेंस देख के ही मैसे निकालना है। क्या देख के निकालना है, डिफरेंस देख के। तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस देखा और इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 12। पॉइंट बाद में देखना है, दशमलव बाद में देखने हैं आपको, पहले दशमलव नहीं देखना है। तो 12 से देखो, ये भी कट जाएगा 12 से, ये भी कट जाएगा 12 से और ये भी कट जाएगा 12 से, ठीक है गाइस। तो हमें क्या करना है, इसका लिखते हैं 12। अब इसमें लगाना है हमें पॉइंट, यानी कि दशमलव लगाना है। दशमलव कैसे लगाना है इसके अंदर आपको, कि मैंने आपको आपकी बताया था पिछले क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया है कि जितने दशमलव ज़्यादा होंगे उसके हिसाब से आप इसमें दशमलव लगाओगे। तो देखो यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या है, यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या, यानी कि पॉइंट के बाद एक संख्या है और यहाँ पॉइंट के बाद दो संख्या दे रखी है, तो दो संख्या ज़्यादा है तो इसके हिसाब से हम पॉइंट इसमें लगाने वाले हैं। तो ये तो दो संख्या पहले हो चुकी है तो इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और यही इसका हम क्या लिख देंगे, मैं से लिख देंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आपको समझा दिया है कि इसका मैं से भी कैसे हम। अब हम अगले प्रश्न में बढ़ते हैं अपने, और अगला प्रश्न आपके थोड़े लैंग्वेज में दे रखा है, और क्या लैंग्वेज में दे रखा है आपको इससे भी वही पता लग जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन दे रखा है 134, 184, 159 में किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दे कि प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। कितना शेष बचे सर, 9 शेष बचे। तो 9 अगर इसमें शेष बच रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या इसमें क्या हुई, ज़्यादा हुई। और हमें निकालना क्या है, हमें कैसे पता लगा कि मैं से निकालना है, तो जहाँ पर भी बड़े से बड़ी
संख्या यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जहां भी लिखा हुआ होता है इसका मतलब वहां पे मैं से ही आपसे निकलवाना चाहता है। तो इसमें भी हम इस तरह निकाल लेंगे। अब देखिए 9 इन तीनों संख्या में ज़्यादा है तो इस 9 को हम क्या करेंगे, पहले कम करेंगे। कैसे कम करेंगे, 134, 184, 59, यानी कि इन तीनों संख्या को हमने इसमें क्या ज़्यादा है, 9 ज़्यादा दे रखा है तो इसे हम क्या करेंगे, कम करेंगे। कैसे कम किया जाएगा इसको, इसमें से भी 9 माइनस कर दीजिए, इसमें से भी 9 माइनस कर दीजिए और इसमें से भी 9 माइनस कर दीजिए। जब इनमें से माइनस करोगे तो यहाँ पे 125 आया और यहाँ पे आपका 175 आया और यहाँ पे आपका 50 आ गया। अब हमें निकालना क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था, वही पुराना तरीका कि हम इन संख्या के अंदर से अंतर देखेंगे। तो हमने इन दोनों संख्या में अंतर देखा, 50 का अंतर आ गया। अब 50 तब इन्हें काट के देखेंगे कट रही है या नहीं कट रही है, तो 50 से 125 तो कटता नहीं, तो ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होगा। गाइस इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, इनके भी फैक्टर कर लो, इसके दो गुणनखंड कर लिए हमने बड़े से बड़े, तो ये इसके दो गुणनखंड आ गए बड़े से बड़े, 25 दुनी 50, दो बड़े से बड़े गुणनखंड आ गए। अब 25 से काट कर देख लीजिए, 25 पंजे 125, 25 सत्तर 175 और 25 दुनी 50। तो गाइस आपको इसका आंसर समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि 25 से ये तीनों संख्या कट रही है तो इसका हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर आ गया आपका वो आ गया 25। ये आपका आंसर आ गया है। तो देखिए गाइस हमने इस सवाल को भी उसी तरीके से कर दिया है जिस सवाल को हम पिछले उसमें करते हुए आ रहे थे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं अब अगला सवाल कि हमारा अगला सवाल क्या है। तो ये रहा आपके सामने अगला सवाल, क्या कह रहा है अपना सवाल दूसरा, कि कह रहा है 213, 263, 313 में किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दे कि प्रत्येक दशा में कितना बचे, 13 बचे। तो 13 बचाने की बात कर रहा है, यानी कि 13 से में क्या हुआ, ज़्यादा हो गया होगा इसलिए 13 शेष बच रहा होगा। तो हम यहाँ पे देखो भाई फिर यही लिखा हुआ है बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि हम इसमें भी क्या निकालने वाले हैं, मैं से ही निकालने वाले हैं। अब कैसे इसका मैं से निकाल लेते हैं ये आपको मैं अच्छे से समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे इसका मैं से निकलेगा। तो 213, 263 और 313, तो गाइस इसमें 13 फालतू है ना, 13 को इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो यहाँ पे 200 आ गया, यहाँ 250 आ गया और यहाँ पे आपका 300 आ गया, समझ में आ गया। तो आपको आप क्या करने थे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, 50 हुआ। अब 50 से देखो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। तो गाइस देखें हमने कितनी आसानी से आपको बता दिया इसका भी आंसर, इसका भी आंसर क्या आ गया आपका, इसका मैस आ गया आपका 50। तो 50 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। गाइस अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल कि हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 351, 524, 697 किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दे कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। अब कोई संख्या नहीं कहा उसने शेष बचती है, उन्होंने कहा समान शेष बचता है, तो प्रत्येक दशा में कौन सी संख्या ऐसी होगी जो समान शेष बचती है। तो गाइस वही आपको करना है, केवल आपको अंतर देखना है और अंतर देखते ही आपको आंसर लगा देना है। तो देखिए इसमें दोनों में अंतर कितने का दिखाई दे रहा है आपको, 371, 173 का इनमें अंतर है। अगर गाइस इनमें 173 का अंतर है तो 173 से हम इनको काट कर देखते हैं, 173 से ये भी कट रहा है, 173 से ये भी कट रहा है और 173 से ये भी कट रहा है। तो गाइस इसका मैच 173 ही हुआ, बस आपको कुछ नहीं करना है, ये इसका ही आंसर आ गया, 173 इसका आंसर आ गया। तो देखिए गाइस इस क्वेश्चन को भी हमने कितने आसानी से ज्ञात कर लिया है, क्योंकि इसमें केवल उसने कहा था कि अंतर समान बचना चाहिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें अंतर समान बचता है। तो हमने डिफरेंस देखा 173 का डिफरेंस है और 173 से तीनों संख्या कट रही है और पूरी पूरी कट जानी चाहिए, तो इसमें जो अंत आएगा वही इसका आंसर आएगा। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है 60, 82 और 126 में किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दे कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अभी भी यही सवाल है, समान शेष बचने वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो आप कैसे इसको निकाल लोगे, आपको करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, वही जो मैंने आपको बताया है कि इनमें डिफरेंस देख लीजिए कितने का आ गया गाइस, 22 का आ गया। आप ये भी कह रहे हो कि सर आप तो बार बार एक ही डिफरेंस ले रहे हो, अगली संख्या का लेकर देखो, अगली संख्या का लेकर देख लीजिए, अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस देखो तो कितना आ गया,
144 आ गया। अब 44 इसका आ गया, 44 से हमने इसको फैक्टराइज करके देखेंगे तो ये भी इसका यही आएगा, नहीं आएगा, फैक्टराइज यही आएगा, तो इसलिए हम ये संख्या नहीं लेंगे। तो हमारा 22 से काम चल रहा है जब, तो दूसरी संख्या लेने की जरूरत क्या है। तो 22 से हम देखते हैं, 22 से काटेंगे, 22 से काटा हमने 44 आया और 16 शेष बच गया, फिर इसको काटा 66 आया, फिर 16 शेष बच गया, फिर इसको काटा 110 आया, 16 शेष बच गया, यानी कि सम में 16-16 शेष बच रहा है ना। तो उसने यही तो कहा है कि सम में समान शेष बचना चाहिए, और समान शेष बच गया तो इसका मैस क्या आ गया गाइस हमारा, इसका मैस आ गया आपका 22, ये इसका आंसर आ गया। तो मैं आपके से आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल भी समझ में आ गया। देखिए गाइस, आज का हमारा आखिरी प्रश्न है ये, और मैं आगे भी ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगा और आपको पढ़ाऊँगा। आपको अपने पेन कॉपी से अपनी कॉपी पर नोट करना है और अच्छे से समझना है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो प्लीज़ उसको कमेंट कीजिए, उसी पर आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा जो आप चाहते हो। तो देखिए हम समझाते हैं इसको आज का लास्ट प्रश्न को। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है 10, 57, 12, 59, 16, 11 में कि किस संख्या में बड़े से बड़ी संख्या भाग दे के प्रत्येक दशा में 7, 9, 11 शेष बचता है। तो गाइस इसमें तीन संख्या शेष बचाने के लिए कह रहा है, तो आपको क्या करना है, पहली संख्या में से 7 माइनस कर दो, दूसरी संख्या में से 9 माइनस कर दो, और तीसरी संख्या में से आप 11 माइनस कर दो। अब जो माइनस करके आएगा उसको आपको लेना है। तो गाइस मैंने उन सब में से माइनस किया है और माइनस करके आ गया आपके पास आ गया ये, ठीक है गाइस, आपको इस यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको इनमें क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। और जैसे इनके बीच में आपने डिफरेंस देखा तो इसके बीच में डिफरेंस आ गया, कितने का डिफरेंस आ गया, जीरो में तो जीरो के जीरो आ गई, यहाँ पे आपके जीरो आ गई और यहाँ पे आपके दो आ गए, यानी कि 200 आ गया। अब 200 तो ये कोई सी कटेगी नहीं, तो आप इसके भी क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे। कैसे फैक्टराइज हुए इसके, यहाँ पे 50 आ गया और यहाँ पे आपका 4 आ गया, यानी कि 50 × 4 इसके फैक्टराइज हुए बड़े से बड़े। तो 50 से काट कर देख लीजिए, तीनों संख्या पूरी पूरी कट रही है। अगर ये 50 से पूरी पूरी तीनों संख्या कट रही है तो गाइस यही इसका आंसर आ गया। तो आपका 50 इसका आंसर आ गया होगा। आई होप मैं आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको कितने अच्छे आसानी से SCF के यानी कि मैसे के क्वेश्चन समझाए हैं। आगे मैं दूसरा वीडियो जो लेकर आऊँगा वो लैसे का होगा, और आपको ये समझाऊँगा कि लैसे को भी हम कितने आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने मैसे आपको चुटकियों में से समझा दिया है, ऐसे ही मैं आपको मैसे भी और लैसे भी चुटकियों में समझा दूँगा।